नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो पर हम इंदौर मेट्रो के बारे में चर्चा करेंगे। इंदौर मेट्रो के रूट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नागपुर मेट्रो, जो कि सारा एलिवेटेड है, जबकि इंदौर मेट्रो अंडरग्राउंड यानी कि सुरंग की ज़मीन के अंदर या अंडरग्राउंड कह लीजिए या एलिवेटेड, दोनों से मिलकर ये बन रहा है, जबकि नागपुर केवल एक ही है एलिवेटेड। तो चलिए इसके रूट के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इंदौर मेट्रो का ये मैप, येलो लाइन और पिंक लाइन। येलो लाइन मतलब आपका जो है एलिवेटेड, जो कि 24 किलोमीटर जिसमें टोटल 23 स्टेशन, उसी तरीके से आपका अंडरग्राउंड 7 किलोमीटर के आसपास जिसमें 6 स्टेशन, टोटल दूरी 31 किलोमीटर। तो इस तरीके से एक रिंग के फॉर्म में आपको ये मेट्रो रूट दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट है। खजराना स्क्वायर, मुमताज बाग कॉलोनी, रेडिशन स्क्वायर, विजयनगर स्क्वायर, उसी तरीके से मेघदूत गार्डन, बापत स्क्वायर, हीरानगर, ये सब सारे स्टेशन आपको दिखाई दे रहे हैं मैप के इस आधे पार्ट में। उसी तरीके से अगला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका देवास वाली रेल लाइन क्रॉस हो रही है, जिसमें आपका MR10 रोड, उसी तरीके से आपका जो है भवरसाला स्क्वायर, हो सकता है नाम में मैं गलती कर रहा हूँ, सुपर कॉरिडोर 1, सुपर कॉरिडोर 2, 3, ये सब सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर देखिए गोल चक्कर लगाते हुए गांधीनगर, एयरपोर्ट, BSF, उसी तरीके से रामचंद्र नगर, उसी तरीके से बड़ा गणपति, छोटा गणपति, ये सब सारे जगहों से होकर रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब ब्रॉड गेज रेल ट्रैक को। और ये जो दिख रहा है ये अंडरग्राउंड वाली लाइन है, जो कि पिंक कलर में दिखाई दे रही है। ये बाकी बचे जो जगहें हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, रजवाड़ा हो गया, उसके हाईकोर्ट हो गया, इंदौर रेलवे स्टेशन हो गया, उसी के बाद पलासिया स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद हो गया पतराकर कॉलोनी हो गया, तो ये सब सारी जगह है, नाम लेने में गलती हो रही है उसके लिए क्षमा, लेकिन इस तरीके से रूट है जिसको मैंने जूम करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो यकीनन आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत